डोमचांच नगर क्षेत्र स्थित डोमचांच दक्षिणी पंचायत भवन सह विवाह भवन मैदान में दिन रविवार को विधानसभा नेत्री शालिनी गुप्ता ने विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर मार्गदर्शक की मई उपस्थिति में कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मंचा सिंह शालिनी गुप्ता, डोमचांच नगर अध्यक्ष राजकुमार मेहता, समाज सेवी सुरेश कुमार, समाज सेवी सुजीत कुमार, लीलावती मेहता, राखी भदानी, ब्यूटी सिंह, योग प्रचारक सुषमा सुमन, समाज सेवी प्रदीप सिंह, प्रदीप सिंह, उमेश वर्मा, सुनील कुमार सिन्हा, जगदीश सलूजा आदि लोग मौजूद थे। सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत गाकर किया गया। इस कार्यक्रम सम्मेलन में आगामी 2024 कोडरमा विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से शालिनी गुप्ता को विजय प्राप्त हो, इसे लेकर चर्चा किया गया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर शालिनी गुप्ता का समर्थन के लिए प्रत्येक दिन अपडेट करने का अपील की गई। सभी वक्ताओं ने शालिनी गुप्ता की हाथों को मजबूत करने की कार्यकर्ताओं से अपील की। मौके पर सुनील सिन्हा, संजय गुप्ता, दीपक गुप्ता के साथ हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। मुकेश गोस्वामी, कोडरमा, R9 भारत के चैनल के माध्यम से हम अपने तमाम शुभचिंतक, मार्गदर्शक और सभी सहयोगी सिपाहियों को तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मेरे एक निमंत्रण को सहज ही स्वीकार करते हुए यहाँ पर आने का काम किया है। और निश्चित तौर पर ये जो आज का कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के आने वाले समय में जो चुनावी वर्ष होगा उस समय और आज का जो समय है ये बिल्कुल काम करने का समय है। तो हमने सभी लोगों को बस इतना ही कहा है कि कोडरमा जैसे क्षेत्र में जहाँ पर रोजगार की सुविधा नहीं है, जहाँ पर आधारभूत संरचना की बात करें या बिजली हो या सड़क हो या पानी हो, होल्डिंग टैक्स जैसे मुद्दे हो, रोजगार को लेकर के बात हो, उद्योग जगत को लेकर के बात हो, आज मजदूर से लेकर के मालिक तक सब लोग परेशान हैं। तो ऐसे में हम सभी का दायित्व तो बनता है कि हम सब लोग अपनी भूमिका में आएँ। और निश्चित तौर पर मैंने हमेशा कहा है कि ये अकेले शालिनी गुप्ता चाह लेगी तो बिल्कुल संभव नहीं, इसमें हम सभी की भागीदारी, हमारे तमाम मार्गदर्शक जो हैं, सहयोगी हैं, हमारे पूरा सभी लोगों से मेरा ये निवेदन होगा कि सब लोग अपनी भूमिका में आए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि हम लोग कोडरमा को एक अच्छा नेतृत्व दे सकें।